जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर डी ब्रांच पे। तो साथियों, आईटीआई अनुदेशक भर्ती एक राज्य की यहां पे आ चुकी है, जिसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी ऐसे ही रेयरली आता है, तो आता भी है तो बहुत लंबे इंतजार के बाद आता है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है इस बार बिहार राज्य से देखने को मिली है, और 2216 वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया गया है। इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को मैं यहां दिखाने वाला हूं आप लोग को, पूरी डिटेल्स आपको देंगे यहां पे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए फिलहाल निकाला गया है, डिग्री डिप्लोमा वालों को भी निकाला जाएगा, उसका भी हम यहां पे आप लोगों को अपडेट देंगे। तो अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो आप जो है इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा। तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, एडवर्टीजमेंट अगर आपको चाहिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा। जैक टाइम्स हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आना है आपको, आईटीआई न्यू जॉब एंड अप्रेंटिस सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको ये जो है चीजें मिल जाएंगी। नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड एडवर्टीजमेंट में क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, ये जो है आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फुल्ली जो है गवर्नमेंट जॉब है, और बिल्कुल कोई भी अनुबंध आधारित नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बिल्कुल नहीं होने वाला है ये, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए एडवर्टीजमेंट ये रहा, इसमें देखिए फॉर्म्स वगैरह फिलअप की बात करेंगे तो 23 मई से लेकर के 22 जो है जून तक आप लोग के फॉर्म फिलअप होंगे। और यहाँ पे देखिए रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी साथी ध्यान दीजिएगा, इसमें एलिजिबिलिटी आप लोग को समझ में ना आए इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि अभी जो देखिए, अभी फिलहाल जो वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, बट सिर्फ आईटीआई पास नहीं चलेगा इसमें, साथ में आईटीआई पास के साथ 3 वर्ष का एक्सपीरियंस, ठीक है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, कोई सा भी इंडस्ट्रियल हो या फिर आपका आईटीआई पढ़ाने का हो, ठीक है, ये एक्सपीरियंस 3 साल का, अब प्लस 1 ईयर का जो आपका सीआईटीएस होता है या फिर सीटीआई होता है, ठीक है, सीआईटीएस या फिर सीटीआई जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशंस है। देखिए ये चीज़ें अभी जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया, ध्यान दीजिएगा, देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन, सिर्फ जो यहाँ वैकेंसी का डिटेल्स दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ें क्लियरली अभी नहीं कही गई है कि सी आई टी एस एक्सपीरियंस, बट डीजीटी का जो नॉर्म्स है, डीजीटी का जो नॉर्म्स कहता है उसको ही सभी राज्य को फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आईटीआई वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा जो किए हुए हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस, और बीटेक वालों को 1 साल का एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ सभी को सी आई टी एस का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के यहाँ पे आप देख पाइएगा, आईटीआई ट्रेड के लिए टोटल 30 ट्रेड्स में वैकेंसी निकाली गई है, और डिग्री डिप्लोमा के लिए देखिए साफ साफ लिखा गया है विज्ञापन अलग से प्रकाशित किया जाएगा। तो साथियों डीजीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये भी है कि 50-50 रेशियो चलता है, ठीक है, 50-50 रेशियो, मतलब कि आईटीआई का अगर कोई मान लीजिए टोटल वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 100 सीट का, उसमें 50 आईटीआई वालों से लेना है और 50 डिग्री डिप्लोमा वालों से लेना है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अभी जितना आप वैकेंसी देख रहे हैं आईटीआई वालों का, सेम इतना ही वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा किसका, तो बीटेक और डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है, बट उनके लिए भी यही कंडीशन है कि बीटेक किए हुए तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको इंडस्ट्रियल या फिर जो है पढ़ाने का एक्सपीरियंस, साथ में सीआईटीएस होना चाहिए, और डिप्लोमा कर रखे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ सीआईटीएस होना चाहिए, ये कंडीशन जो डीजीटी कहती है। अब पूरी जानकारी आपको 18/5 को हम दे देंगे जब फुल नोटिफिकेशन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे तो क्या क्या यहाँ पे ट्रेड्स में, देखिए मशीनिस्ट के लिए 3 सीट निकाला गया है आईटीआई पास आउट के लिए, रेफ्रिजरेशन मतलब आरएसी से 11 निकाला गया है, डार्टन मैकेनिकल्स यहाँ 4 निकाला गया, फिल्टर से 105, टर्नर से 8 निकाला गया है, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 निकाला गया है, मैकेनिक मोटर व्हीकल से 6 निकाला गया, ऑटोमोबाइल देखिए मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग से 5 निकाला गया, मैकेनिकल ऑटो बॉडी रिपेयर से 2 निकाला गया, मैकेनिक डीजल 86, वेल्डर 76, प्लम्बर से 32, फाउंड्री मैन से 3 है, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स से देखिए 2 है, फिर यहाँ पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से देखिए यहाँ पे 4 है, इलेक्ट्रीशियन से 153 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से 130 है, यहाँ पे वायरमैन के लिए 11, फिर इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन से 5, सोलर टेक्नीशियन से देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 2 सीटें हैं, मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे देखिए 23 है, फिर यहाँ पे आईओटी के लिए 3 है, आईओटी थिंग्स मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए 4, फिर यहाँ पे देखिए स्मार्ट हेल्थ और यहाँ पे सिटी से 4 है, और हेल्थ केयर से 9 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से देखिए 1 है, फिर यहाँ पे डार्टमेंट सिविल से 11 है,
फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट से 119 है, सर्वेयर से 2 है, उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से यहाँ पे 85 है और कंप्यूटर एडेड ठीक है एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग से 1 वैकेंसी है। तो ये आप देख पा रहे होंगे साथियों जो जो ट्रेड यहाँ टोटल 30 ट्रेड्स के लिए निकाला गया है, अभी के लिए आईटीआई के लिए निकाला गया है, बट 18 तारीख तक आप लोग को मेरे समझ से देखने को मिल जाएगा आई थिंक यहाँ पे जो है उनका भी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए जानकारी यही है कि आईटीआई जिन्होंने भी कर रखा है 7 में 3 साल का एक्सपीरियंस आईटीआई से वो 23 से लेकर के 22 जून तक फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको सभी गाइडेंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देख पाइएगा और यहाँ पे जो भी चाहिए आपको पीडीएफ वगैरह अप्लाई करने का लिंक्स देखिए ऑफिशियल वेबसाइट सभी आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सभी तरह की अपडेट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और झारखंड की भी अपडेट है, झारखंड में भी जो है अनुदेशक बहाली जो है जल्द देखने को मिल सकती है। जो हाईकोर्ट का कहना था कि 4 महीने का वक्त दिया है हाईकोर्ट, इसी बीच जो है झारखंड गवर्नमेंट को आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी फिलअप करनी है, जो कि कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, 4 महीने का वक्त है। अब देखने वाली बात है कि वैकेंसी कब तक आती है। हालांकि झारखंड जेएसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसी मंथ के लास्ट तक जो है वैकेंसी दे देनी है। अब देखने वाली बात है कि वैकेंसी दी जाती है या नहीं देनी, बट इतना श्योर है कि जून तक में तो वैकेंसी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का झारखंड में भी दिया जाएगा। और झारखंड में अगर वैकेंसी निकलती है तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ फिलअप कर सकेंगे, क्योंकि 40% ओपन टू ऑल है। साथ ही साथ बिहार की अगर बात करेंगे तो इसमें अभी गाइडेंस देखना पड़ेगा, जो गाइडलाइंस आएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आउटसाइड स्टेट के लिए, बट मेरा जहां तक मानना है तो कुछ परसेंटेज के लिए आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट फिलअप कर पाएंगे। हालांकि जो टीचर की वैकेंसी आई हुई थी उसमें जो है ओनली बिहारी वहां पे अप्लाई कर सकते थे, बट अब इसकी वैकेंसी में हम लोग 18 तारीख को क्लियर हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ और जो भी अपडेट्स होगा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।